पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब छत पर कपड़े सुखा रहे एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने से युवक घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। परिवार के लोग आनंद फानंद में घायल को जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक की हालत को गंभीर बताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिवार के लोगों के मुताबिक गोली किसने मारी इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो सकी। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को अभी तैयार नहीं हुई थी। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना खटकर क्षेत्र का। थाना क्षेत्र अंतर्गत करूला क्षेत्र में अपने मकान पर कपड़े सुखा रहा था, तभी अचानक युवक के पेट में गोलियां लगी। गोली लगने से युवक नीचे गिर पड़ा। परिवार के लोग आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि गोली किसने मारी इसकी जानकारी नहीं हो सकी और फिलहाल पुलिस भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं घर की चादर ठीक कर दिया था, ऐसा लगा सामने से किसी ने गोली मारी, भड़कने की आवाज आई, वो पीछे गिर गया, बस फिर मुझे होश मिल गया। कहाँ का मामला? करूला का जाइनगर गली लंबनो। हाँ, पता चली किसी ने? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता चला। कितनी देर का मामला? ये एक घंटा होने आ गया। हाँ जी, मुझे बर्दाश्त करते करते। मैं डॉक्टर एमएस खान जनरल सर्जन हूँ यहाँ पे, और ये जो पेशेंट एक आया है अभी फायर इंजरी प्रतीत होती है और हालत ठीक नहीं है, पेट में गोली लगी भी लग रहा है और अत्यधिक रक्तस्राव है, हालत ठीक नहीं है इसलिए उसको रेफर करते हैं। क्या लगा मतलब? हालत खराब है, ठीक नहीं है। हाँ, रेफर कर मेरठ के लिए, क्या मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए। नहीं, मेरे घर वालों से कोई मेरी बात नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फायर आर्म इंजरी प्रतीत हो रही है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो है होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।